पता चला कि आपको एक वक्त ऐसा आया कि मुर्दे नजर आने लगे। हाँ। क्या है ये कहानी, मैं इनसे पूछूं, आप बताएं, इनको ये तो रोज सुनाते हैं। मैं एक ड्रामा कर रही थी, एक हॉरर ड्रामा, वो दोबारा के नाम से, ठीक है। तो उसकी पूरी शूट कंप्लीट हो गई। अच्छा, वो जो घर था उधर काफ़ी सीन होते रहते थे, मतलब हम फ्रेम्स लटकाते थे और वो लिटरली जैसे क्यू होता था ना, सारे फ्रेम्स गिर जाते थे। मंजुलिका तो नहीं थी उधर? मंजुलिका नहीं थी, मंजुलिका मंजुलिका वहाँ नहीं थी, वहाँ कुछ और था। खैर नहीं, फिर काफ़ी बार ये होता था कि यू नो घर की घंटी बज रही है और सीसीटीवी हमारे सामने लगा हुआ, बाहर कोई नहीं होता था। अरे वह पानी आ गया होगा स्विच में मुझे पता था यही होगा। खैर तो लास्ट डे हमारी शूट का था जिसमें मैं पजेस हो जाती हूँ, तो वो फुल क्रेन व्रेन आई हुई, मैं ऊपर लटकी हुई आसमानों पे, पता नहीं 6 घंटे मैं यूं ही लटकी रही हूँ। सूख गई, सूखी को मैं सुखाने लटका देते ना कपड़े, चीले आ गई, ये कौन लटकाई हुई है। खैर तो वो पूरा सीन हमारा, एक बंदा आज गया, मैंने मनाज को कॉल की कि मुझे पिक कर ले, आई वाज एग्जॉस्टेड, ठीक है। अच्छा मैं गाड़ी में आगे बैठी हूँ तो ऑल आई रिमेम्बर कि मैं खामोश थी, I was totally quiet. हैरानकुन बात है ये तो। बहुत हैरानकुन बात है क्योंकि मैं चुप नहीं होती, ठीक है। तो खैर घर पहुंच गए, फिर मैं सोने लेटी हूँ और सडनली जब मेरी आँख खुली है तो मैं आँख नहीं खोल पा रही थी बिकॉज आई कुड सी थिंग्स अराउंड मी एंड आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग, ठीक है। ये रात के ऑलमोस्ट 3-4 बजे के टाइम ना ये हो रहा है सब, ये अब आँख खोल नहीं पा रही, डर के मारे, बिकॉज़ आई कुड सी पीपल यू नो, और मुझे सिर्फ शक्लें नजर आ रही थी, डिफरेंट। वो जान पहचानी शक्लें थी या सब रैंडम थे? सारे ससुराल वाले थे? नहीं, आपके या इनके ससुराल वाले तो मेरे घर वाले हुए ना। नहीं ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल रैंडम लोग थे, पता नहीं कौन थे, आज तक मुझे नहीं पता, लेकिन पूछा नहीं आपने, हो कौन तुम, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था। माय नेम सगीर अहमद सगीर। रेडियो करके आया तो ये कमरे में मैं एंटर हुआ तो ये जागी हुई, ठीक है। पूरे दिन की शूट के बाद बंदा जागना बड़ा वो होता है कि आप थक जाते हैं, आपको पता है। तो मैं जरा वो हुआ कि यार जाके बात करते हैं, अब ये बात ना करे, मुझे ये लगे कि यार कोई अम्मी से लड़ाई हो गई या मैं पकड़ा गया हूँ, या मैं पकड़ा गया हूँ, या कोई मेरी ऐसी बात पता चल गई, वही वाली बात, क्या नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी। अब मैं आधा 1 घंटे तो यही करता था कि बेगम हुआ क्या, बेबी जानू क्या है, बेबी बता दो, ताना थालो, ताना थालो, तुमने ताना खाया। तो ये सो गई, अब मैं भी सो गया, कोई रात के कोई 4-5, 1.5 घंटे बाद ना मुझे मैं उठाऊँ तो ये जागी हुई और ये रो रही जार कतार। मैं उठा, मैंने कहा क्या हो गया, खैरियत? मेरे और नसरीन के दरमियान ऐसा कुछ नहीं है सा ना, मेरी कहानी है जो ताबिश ने बर्बाद कर दी है, मुझे आज तक कभी डर नहीं लगेगा। सॉरी। उसके बाद ये कोई फजर के टाइम तक ना ये सिलसिला चलता रही। अच्छा कुछ नहीं बोल रही, आप खुश भी हैं क्या? हाँ यार ये अच्छा हो गया मतलब। फिर मैंने वालदा को उठाया, वालदा आई, वालदा को लगा कि मेरे लड़ाई हो गई है, तुमने कुछ कहा होगा, बदतमीज हो तुम तो वैसे ही। आजकल की माएं बिल्कुल सास हो चुकी हैं। अरे यार साथ ही नहीं, मैं देख रहा हूँ मेरा भी साथ नहीं देती, मेरी सास हमेशा मेरी साइड पे होती है, सबकी सास होगा यही, उनकी अम्मी है। और भाई क्या हो गया, सासों को क्या हो चुका है आजकल की, ये सासें कहाँ गई, वो जो थप्पड़ मारती थी बच्चे की, कहाँ है वो गैस के चूल्हे जो फटते थे, कहाँ है वो कुकर, क्या जमाना आ गया, क्या है वो सासें, वो अम्माएं जो आजकल की यूथ दूसरी शादी कर देंगे, आजकल की यूथ भाड़ में गया सना का वाक्य, हम अपना वाक्य लेके बैठे थे, हुआ क्या क्या। तो फिर अम्मी भी परेशान हो गए, अम्मी हमारे यहाँ जो होता है ना कि वो पढ़ना पढ़ाना शुरू हो गई, थोड़ी देर इसको सुकून मिला, ये सोई, फिर ही उठे, फिर चीखे, फिर धाड़े मारे, फिर क्या है सना मुझे नजर आ रहे हैं लोग नजर आ रहे हैं। फिर मुझे जरा वो हुआ कि यार इसकी वालदा को अब इन्वॉल्व करते हैं, इनकी वालदा को इन्वॉल्व किया, मेरी अम्मा इन्वॉल्व हुई, फिर एक मस्जिद में इनको लेके गया। फिर काफी टाइम बाद जो मैंने फर्स्ट जुमला बोला था वो यही बोला था कि मुझे मस्जिद ले जाओ। अच्छा मस्जिद लेके गए तो अब मस्जिद में प्रॉब्लम एक हो गई, वो मौलवी साहब कह रहे हैं औरत हैं ये तो मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकती। अरे मैंने कहा भई इसके साथ ये मसला हो रहा है, इसको ये डर लग रहा है, वो बेचारे बाहर आए, उन्होंने फिर दम दुरूद किया, फिर ये जाके 1-2 दिन में सही हो गई। फिर इसने बताया कि मुझे मिनाज आई थिंक सेट से ही तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारे साथ लोग हैं,
I was feeling very heavy. Something और मेरे साथ wrong. नहीं होता मतलब you know, जब से मेरी मिनहाल से शादी हुई है ना तो मेरे साथ ऐसा कोई वाकया हुआ है लेकिन पहले ऐसा नहीं था पहले आप सही थी पहले मैं बिल्कुल नॉर्मल ये भी मेरी वजह से हुआ मुझे डायवर्टिंग घूम के सब इधर ही आएगा ये तो मिनहाज पे ये तो उसूल है मिनहाज की ही कुछ ये लव स्टोरी टीवी पे नहीं जाएगा ये इंटरनेट पर आएगा तो आप ये जो आ रहे हैं ना jionews.com की लिंक आ रहा है इस पर क्लिक करें सब्सक्राइब करें घंटी बजा दें ये सब गंदी चीजें वहां मिलेंगी।